अरे क्या हुआ तुझे? चल ना आगे चल। रुक क्यों गया? स्वामी समर्थ अभी बहुत दूर है, चल ना। इस बेजुबान को क्यों मार रहा है? गलती तुम करो और सजा इस घोड़े को। मैंने क्या गलती की स्वामी जी? तुम मुझे 125 रुपए के पेड़े चढ़ाने वाले थे ना, लाए हो? भूल गए ना? मुझे माफ कर दो, मैं अभी पेड़े लेकर आता हूँ। लीजिए स्वामी महाराज, मैं पेड़े लेकर आया हूँ। पेड़े? ये उसे दे दो। किसे स्वामी महाराज? उसे। पर स्वामी महाराज, मैं तो पेड़े आपके लिए लाया हूँ। मैंने कहा ना उसे दे दो, जाओ। जी स्वामी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। नारायण, अब पेट का दर्द कैसा है? एकदम ठीक है। जय स्वामी महाराज, जय स्वामी महाराज। आप कृपालु हैं स्वामी महाराज, आप दयालु हैं, आप भक्तवत्सल हैं। आपके केवल दर्शन से ही मेरे पेट का दर्द दूर हुआ है। आप धन्य हैं स्वामी महाराज, आप धन्य हैं। नारायण, जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसका मददगार होता है। जो दूसरों के दुख दूर करता है वो उसका दुख दूर करता है। जो दूसरों का हमदर्द बनता है भगवान उसका हमदर्द बनता है। मैं आपकी बात समझ गया स्वामी महाराज, आज से मैं दूसरों के दुख बांटूंगा। तुम्हारा कल्याण हो। महासपति जी, ऐसी होती हैं इन संत महात्माओं की लीलाएं। समाज का कल्याण करने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए साईं बाबा, श्री स्वामी समर्थ जैसे अवतारी सत्पुरुष किसी एक को चुनते हैं और उस व्यक्ति के माध्यम से समाज को जागृत करते हैं। परंतु इस समय साईं बाबा ने जौहर बाबा को चुना है। परंतु साईं बाबा क्या चाहते हैं राधा भाई, इसका पता तो साईं बाबा की लीला समाप्त होने पर ही चलेगा ना? वह जी, साईं का गुरु शिरडी आ रहा है, ये खबर सुनकर साईं भक्तों के चेहरे देखे थे आप? हाँ द्वारिका नाथ जी, हाँ, जैसे सबने कड़वा और जब वो साईं का गुरु साक्षात शिरडी में प्रकट होगा तब क्या होगा? तब तो भगवान उनके प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे। एक बार उस साईं के गुरु को यहाँ आने दीजिए वैजी, मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। अरे पहले अपनी धोती संभालिए द्वारका नाथ जी, बदला बाद में लेना। बहुत उड़ने लगा आजकल तू। अरे नालायक, लगता है तुम्हारे पर निकल आए हैं। बुलाऊं क्या नाना वाली को? बुलाऊं? अरे नालायक, अरे तू मुझे धमका रहा है वैद्य कुलकर्णी को? अरे आप भूल रहे हैं, आपने भी धोती पहनी हुई है। ना किसी की निंदा करो, ना ही किसी से शत्रुता, ना किसी से नफरत करो, ना किसी से ईर्ष्या। अपने आप को मालिक को सौंप दो और हमेशा प्रार्थना करते रहो, हे मालिक दया कर, हे मालिक करम कर,
मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति करता रहूं। मुझे न धन चाहिए न संपत्ति, मैं सिर्फ तुम्हारी कृपा का भागी बनना चाहता हूँ। इस संसार के पाप ताप शाप मुझे परेशान कर रहे हैं, यहाँ के लोभ मोह मुझे अपनी ओर आकर्षित करने की हर कोशिश कर रहे हैं। हे मालिक, मुझे इतना मनोबल दे दो कि मेरा मन हमेशा तुम्हारे चरणों में ही लगा रहे, तुम्हारी तरफ ही आकर्षित होता रहे, मेरे मन को कभी अहंकार न छुए, मेरे मन में कभी पापी विचारों को जगह ना मिले, मेरे मन का कोना कोना सिर्फ तुम्हारी याद से भरा रहे। बस अपने आशीर्वाद की छाव में मुझे रहने दो। तुम हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हो मालिक, इस संसार रूपी भवसागर में मेरी जीवन रूपी नैया विकारों के आंधी तूफान में डगमगा रही है मालिक, इसे तुम ही पार लगा सकते हो मालिक, इसे पार लगा दो मालिक, इसे पार लगा दो। अगर साईनाथ के गुरु होंगे तो वो साईनाथ से भी अधिक तेजस्वी होंगे। परंतु साई बाबा तो मालिक को अपना गुरु मानते हैं। साई बाबा ने अपने गुरु का कभी जिक्र नहीं किया नानावली, तो ये गुरु कहां से आ गए? अरे ये अचानक तूफान कैसा? अरे सगुन भैया, अगर द्वारकानाथ ने साजिश रचाकर किसी को बाबा का गुरु बना के शीड में भेजा होगा ना, तब तो हम सबकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। भागो, भागो, बचाओ, बचाओ। ये तूफान हमें आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है। इंसान की जिंदगी में तूफान आते ही हैं। इंसान को डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। अरे इससे पहले कोई अनर्थ हो हमें निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ चलो ठीक कहा, चलो चलो यहाँ से। बाबा बाबा रुक जाइए। अरे ये अचानक मौसम को क्या हो गया? चारों तरफ कितनी धुंध छा गई है। देखो ये देवा कहाँ जा रहे हैं? देवा देव चलो देवा। साईं बाबा, साईं बाबा, देवा क्या हुआ? अरे साईं बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं। साईनाथ, साईनाथ,